दोस्तों आज हम गाज़ियाबाद अपने TMG इंडस्ट्रियल ग्रुप का जो हेड ऑफिस है गाज़ियाबाद के अंदर वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और आज़म सर आज हमें अपने हाथों से कॉफ़ी बना करके पिला रहे हैं। और इस कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ सुना है, फर्स्ट टाइम हम पीने वाले हैं। और ये वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट ऐसी कॉफ़ी है जिसे पीने के बाद में बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलने वाली है। और एक नंबर का रिज़ल्ट इस कॉफ़ी के अंदर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा पेट को लेकर के तो इसका इतना दमदार रिज़ल्ट है। और ये है वो कॉफ़ी जिसको आज़म सर ने अभी ही फ़िलहाल ही में लॉन्च किया है। और ये आज़म सर का मैं चेहरा भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आज़म सर का मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा, इस लेवल के प्रोडक्ट मार्केट में ला करके खड़े किए हैं। और ये कॉफ़ी आप देख सक रहे हैं कि बिल्कुल चाय की तरह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कुछ भी डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, बस ये गर्म पानी है और इसके अंदर ये इसका पाउडर पड़ा हुआ है कॉफ़ी का, और ये इसके अंदर पानी डाल दिया गया है। और इसको हल्का सा सिर्फ चला देना है, जैसे इसको हमने इसको इसके अंदर चलाया ये पूरी रेडी हो गई कॉफ़ी। अगर आपको मीठा चाहिए तो थोड़ा बहुत आप अपनी टेस्ट के अनुसार इसके अंदर मीठे डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इस कॉफ़ी को एक बार अगर आपने टेस्ट कर लिया तो इसके अलावा आप कोई कॉफ़ी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, कॉफ़ी भी और साथ में आपको बहुत सारी मर्ज़ों की दवा भी, आप इसको बोल सकते हैं कैंसर तक पे काम कर रहा है। अभी अभी आज़म सर ने बताया है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस कॉफ़ी को पीने की कोशिश करूंगा। और मैं अपनी टीम के अंदर इसका रिज़ल्ट ले चुका हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले टाइम इसी ऑफिस पर विज़िट किया था और उन लोगों ने कॉफ़ी को पिया तो यकीन मानिए उन लोगों ने बताया कि इस लेवल पर हमें पेट को राहत मिली कि 15 टॉयलेट होने के बाद भी हमें बीमारी कमज़ोरी वो शिकायत नहीं मिली। और 15 टॉयलेट आने के बाद आज तक हमारा पेट बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको ये कॉफ़ी मिल जाए तो ये वरदान है एक आपकी लाइफ के लिए। तो प्लीज़ एक बार इस कॉफ़ी को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ऑफिस के अंदर, ताकि आप इस कॉफ़ी को पी करके अपने फैमिली को भी हेल्दी बनाएं और आप भी खुद भी हेल्थी रहें। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें हैं। थैंक्स आज़म सर, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक बार ज़रूर पीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।